और हमने हम बात कर रहे थे चिराग के बारे में एंड द लैंप व्हिच इज सेट ऑन अ स्टैंड फॉर लाइट एंड दैट लैंप स्टैंड फॉर ट्रुथ जे हमने बात किया कि कैसे दिए को दीवट पर रखा जाता है एक ऊंचे स्थान पर जहां से वो रोशनी हर जगह दे सके और ये सच्चाई को दर्शाता है अ लैंप इज टू बी प्लेस्ड ऑन अ स्टैंड फॉर द बेनिफिट ऑफ Others. और एक दिए को एक दीवट पर रखना जरूरी है ताकि दूसरों को भी उसकी रोशनी का लाभ मिलने पाए so ताकि room. हर एक जन ये देखने पाए कि कमरे के भीतर है क्या फॉर टू पॉइंट और दो बातों को यहाँ पर सिखाया गया है नंबर वन शेयर द ट्रूथ। पहली बात कि सच्चाई को बांटे And the second truth is mark the truth. Ki ko now, mark the truth means take note of. And uh, in the previous two meditations, we have uh, considered the first point. और अपने पिछले दो मननों में हमने जो पहला भाग था कि सच्चाई या सत्य को बाटे उसके ऊपर मनन रखा Share the truth. कि सच्चाई को बांटे और आइए आज के दिन अपने मनन के लिए हम दूसरे सत्य की ओर बढ़ेंगे मार्क द ट्रूथ इन अदर वर्ड्स टेक नोट ऑफ कंसिडर एंड अंडरस्टैंड कि सत्य को आप देखें, उस पर ध्यान लगाएं, उसे समझें। Uh, and so let us look into the gospel according to Mark, chapter 4, verses 24 and 25. And uh, we are told here, consider carefully what you hear. He continued with the measure you use, it will be measured to you, and even more, whoever has will be given more.

ट्रूथ दे ट्रूथ पच्चीसवें बच्चन में ये एक ऐसी बात लिखी है जो उनके साथ होगी जो सत्य को बांटने की बजाय उसे छुपाने की कोशिश करते टेक केयर मीन्स कंसिडर केयरफुली और इसलिए यहाँ पर ध्यान रखने की बात का मतलब है कि ध्यान पूर्वक आप सोचें और समझें। पे अटेंशन और ध्यान लगाएं। मेक श्योर यू हियर दूथ और इस बात को सुनिश्चित करें कि आप सत्य को सुनते हैं दियर इज फॉर हियरिंग और याद रखिए सुनने वाला जिम्मेदार है सुनने के लिए नॉट ओनली कैन ओनली ट्रेय बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टू ही ट्रूथ क्योंकि सत्य बांटने वाला तो सिर्फ सत्य बांट सकता है लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे सुने और ध्यान पूर्वक सुनकर उसे समझे एंड हियर हियरर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ही हियर्स और एक सुनने वाला जिम्मेदार है जो कुछ वो सुनता है एंड हाउ ही इंटरप्रेट्स व्हाट ही हियर्स और जो कुछ वो सुनता है कैसे उसे समझता है उसके प्रति भी अ टीचर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टीच और एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो सिखाए या शिक्षा दे बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट

और यदि कोई मनुष्य कूड़े से भरा हो ही इज रेस्पॉन्सिबल तो वो जिम्मेदार है नॉट द शॉप मैन ना कि वो जो कार्य जो दुकान पर है नॉट द रेस्टोरेंट नॉट नॉट इवन ऑन द रोड साइड सेलर ऑफ जंक फूड ना के, ना कि वो व्यक्ति जो रोड किनारों पर ठेला लगा के खाना बेच यू डोंट हैव टू टू विजिट दिस प्लेसेस फील विद जंक आपको इन स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है कि आप खुद को कूड़े से भरे यू आर रेस्पॉन्सिबल और इसलिए आप जिम्मेदार हैं। एंड इफ हीज फिल्ड विद द्रूथ ही इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप इट एंड गॉड और यदि कोई व्यक्ति सच्चाई या सत्य से भरा हुआ है तो यह जिम्मेदारी उसकी है कि वो सत्य को बनाए रखे और उसकी रक्षा करे एंड दैट इज वाई मार्क द ट्रूथ इज इम्पोर्टेंट और इसीलिए ये जरूरी है कि हम सत्य को समझे उसे जाने और उसके प्रति ध्यान बनाकर हियर really की ना केवल सुने बट देन वट यू हर्ड यू स्टोर इट इन योर सेल्फ लेकिन जो कुछ आप सुनते हैं उस सत्य को अपने भीतर आप सम्भाले उसे याद रखें आप उसकी रक्षा आप से आप कर सो दूथ विल नॉट एस्केप यू एंड लीव यू ताकि सत्य आपसे दूर ना होने पाए आपको छोड़कर कहीं चला ना जाए गिव्स हिमसेल्फ टू नो दूथ

कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो हर समय हर बात को लेकर वार्तालाप करना चाहते हैं वो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि जो साधारण सा सत्य उन्हें दिखाया गया या बताया जा रहा है उसे ग्रहण करना नहीं चाहते नाउ हाउ मच गॉड विल कमिट टू यू और कितना परमेश्वर आपको देगा in john's gospel chapter 2 verse 24 और यहोनार अच्छे सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 24वें वचन में this is what said यहोना कहता है but jesus would not entrust himself to them for he knew all men और लेकिन यीशु ने खुद को उनके हाथों में नहीं सौंपा क्योंकि वो सारे मनुष्यों के विचारों को जानता था so how much god will commit to you depends on your commitments तो आप कितना यीशु या परमेश्वर आपको देगा ये इस बात पर निर्धारित है कि कितना आप खुद को उसके ऊपर निर्धारित करते हैं आ, समर्पित करते हैं energy, और कितना काम या उस परिश्रम आप लगाते हैं कितना परिश्रम और किस रीति से and, आप कार्य करते and, and हैं और किस प्रकार का ज्ञान आप रखते हैं द डिग्री टू विच ए मैन गिव्स हिमसेल्फ्रू किस प्रकार से या एक मनुष्य खुद को सच्चाई के लिए देने के लिए तैयार है ट्रूथ मनुष्य परमेश्वर तो मनुष्य से ये चाहता है की वो सत्य को खोजे नॉट ओनली ही शुड कीप द्रूथ न केवल सत्य को अपने साथ बनाए रख सो शेयर दूथ लेकिन साथ ही साथ उस सत्य का प्रचार करे उसे बांटे तो सो सीक द ट्रूथ इसलिए आप सत्य को खोजे वाइंड इट शेयर दू द ट्रूथ जब आप उसे पा जाए तो उसे अपने संग रखें सो so you यू कैन ऑलवेज यूज इट टू शेयर इट टू शेयर others अदर्स opportunities ऑपरचुनिटीज ताकि आप दूसरों के साथ उस सत्य को बांट सके जब वो मौका आपको मिले What was the greatest mistake the pilot made? और सबसे बड़ी गलती पिलातुस ने क्या करी ग्रेटेस्ट मिस्टेक ही कमिटेड वॉज टू इग्नोर एंड रिजेक्ट द ट्रूथ सबसे बड़ी गलती पिलात ने करी वो ये थी कि जो सत्य था उसके प्रति उसने मुंह फेर लिया और उसे उसके प्रति उसने विरोध किया रिमेंबर व्हाट जीसस टोल्ड पिलाटस क्या आपको याद है यीशु ने पिलाटस से क्या कहा फॉर दिस आई केम इनटू द वर्ल्ड कि मैं इस कारण दुनिया संसार में आया टू टेस्टिफाई टू द ट्रुथ कि मैं सत्य के प्रति गवाह बन सकूं हाउ डिड द पिलाट रेस्पोंड टू दैट अब पिलाट उस किस प्रकार से उसने उत्तर दिया ही रेस्पोंडेड बाय आस्किंग जीसस ट्रुथ व्हाट इज ट्रुथ उसने इस प्रकार उत्तर दिया यीशु को कि सत्य क्या है यह सत्य देन ही वेंट आउट और उसके बाद वो यीशु को छोड़ वहां से चला गया पायलट सिंपली बाय आस्किंग जीसस व्हाट इज द देन ही वेंट आउट नॉट इवन वेटिंग फॉर वन मिनट फॉर जीसस रेस्पॉन्ड तो यीशु से यह प्रश्न पूछकर कि सत्य क्या है वहां पर रुका ही नहीं एक मिनट तक भी नहीं कि यीशु उस सवाल का उत्तर उसे दे सके

और क्योंकि सत्य तो पिलातुस तो की आंखों के सामने खड़ा था द ट्रूथ वॉज विद इन हिज ग्रास और वो सच्चाई तो उसके हाथों के एकदम नजदीक थी And if he were sincere, और अगर वो सच्चा होता इन सीकिंग द वन ट्रूथ व्हिच वुड हैव ओपन हिज आईज एंड सेट हिम फ्री और अगर वो सत्य में उस सच्चाई को जानना चाहता वो कि जो उसकी आंखों को खोलकर उसे आजाद कर देती So here is the conclusion. और इसलिए यहाँ पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं सीख द ट्रूथ और सच्चाई को खोजे फाइन द ट्रूथ और सच्चाई को पाए कीप द ट्रूथ और सच्चाई को अपने संग बनाए रखें शेयर द ट्रूथ सच्चाई को बांटे एंड वॉक इन द लाइट ऑफ द ट्रूथ और इस सत्य की ज्योति में आप चले वॉट इज इट ये क्या है जीसस सेड आई एम द ट्रूथ एंड द वे एंड लाइफ और यीशु ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ

आप में से ज्यादातर विश्वासी हैं। नाउ दैट यू नो द दूथ जबकि अब आप सत्य को जानते हैं आर यू कीपिंग द ट्रूथ क्या आप सत्य को बनाकर चलते हैं आर यू प्रोटेक्टिंग द ट्रूथ क्या आप सत्य की रक्षा करते हैं आर यू डिफेंडिंग द ट्रूथ क्या आप सत्य का बचाव करते Are हैं आर यू शेयरिंग द ट्रूथ क्या आप सत्य को बांटते हैं एंड देन यू शैल बी ब्लेस्ड और तभी आप आशीषित होंगे लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी पिता परमेश्वर I thank you for speaking to us this morning. आज की सुबह हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। We understand now how important it is for all of us, not only to seek the truth, but find the truth. हमने समझ नहीं पाए हैं कि कितना ही जरूरी है ये हम सब के लिए ना केवल सत्य को खोजना लेकिन उस सत्य को बना कर रखना। For everyone who seeks, shall find. जो खोजेगा वो पाएगा।

होने दे तेरी पवित्र आत्मा हमें अभिष्क करें और हमारा उपयोग करेंत्य आगे बढ़ता चला जाए थैंक यू धन्यवाद

We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं. Pray that God's grace will enable you. और हो प्रार्थना ये करें कि परमेश्वर का नुक्रय आपकी सहायता करता रहे. Amen. Amen.